front of me. Tanisha, Midas Mukherjee, the offshoot of such a clan, what do you have to say? Oh my God, I have to say, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी एक्साइटेड. हम देखना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे अमेजिंग चीज़ें की हैं एंड इफ वी कैन ओनली लिव अप टू हाफ ऑफ दैट आई थिंक वील बी गुड. सो आई लुक फॉरवर्ड टू इट. वो जमाना अलग था. वो आई मीन वो मोगल का ज़माना जो उन्होंने बनाया. उन्होंने लिटरली हमारी इंडस्ट्री बनाई है फ्रॉम नथिंग. दे क्रिएटेड आर इंडस्ट्री. जो आइटम सॉन्ग्स हैं सारे जो उन्होंने डिसीजंस लिए वो आज हम हमारे स्क्रीन्स पे देख रहे हैं. सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड. आई लुक फॉरवर्ड टू इट. आई थिंक माई ग्रैंड फादर इज अ रॉक स्टार. माई फादर ही मेड इंस्टीट्यूट्स डिडंट मेक फिल्म्स. गुड वन. आई लाइक दैट. Oh, there are lots of memories. Why don't you come and see the show? All things that you have discussed, we try to be compiled in today's show. We try to do that. There are a lot of things. My father did films for people who loved him, who looked after him, who wanted to make their careers. Whether it's Dilip Kumar, Shami Kapoor, Nasir Hussain, Subodh Mukherjee, Ayaz Johar, there are so many of them like that. Raja Mandeli Khan, S.G. Barman, Usha Khanna. He made so many of them all. So yeah. that is the show that we are having today regarding all these people only. और आज हम उनके सारे रोमांटिक फिल्म्स कर रहे हैं तो एक रोमांटिक लेके आते हैं. एक बहुत ही बड़ा ब्यूटीफुल लेडी भी अभी तक. अनुराधा जी नहीं मौसमी चैटर्जी. क्या आपको आप लोगों कोई नॉलेज नहीं है ना जब आप आते हैं मिलने के लिए. ना वाली भी है. कम ऑन यार. हाँ जी सॉरी क्या बोल रहे हैं आप? देखिए ये तो लेजेंड है, सभी जानते हैं इस मुखर्जी. मैं बहुत लेट में आई हूँ उनकी ज़िंदगी में और वो मेरे ज़िंदगी में बहुत लेट आए हैं. मैं उन्हें मौसा जी करके ही बुलाती थी. मैं उनका खाली अफेक्शन और लव के बारे में बता सकती हूँ. उनकी वाइफ सती रानी मुखर्जी, शी वॉज़ अ लवली पर्सन एंड दे ऑलवेज ट्रीट मी लाइक वन ऑफ देयर सिबलिंग एंड everybody knows what he made. Today I'm here to show my gratitude towards him and his family because whatever we are here because of him. Hemant Kumar was really brought by him here and established here. So I just came to show my gratitude. And she forgot to mention that her sons, S. Mukherjee's sons, also very nice people. No, I said whole family. You see, you cannot love one person, cannot become a family friend. You have to love all of them. Thank you. मैडम मैं बोला तो भी नहीं मैम एक साथ देखो ना Let's dance, father's go. Okay, go. Not me.
Only one great. I am very proud of it. I think बहुत ही जो लोग करते हैं उनके ज़िंदगी के ज़िंदगी में उनको celebrate करना चाहिए और I think my dad has done some amazing things in his life. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ किया है कि उनकी ज़िंदगी छोटी पड़ गई उसके लिए. तो लेकिन I think that I'm very very happy to be here. I'm glad that we have something like this. I brought my son along. मैं अपने बेटे को भी लेके आई हूँ क्योंकि मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि उनकी हिस्ट्री क्या है. एंड I'm very very proud to be here. ढेरों सारी फिल्में भी हैं उनकी, हम देख रहे हैं यहाँ पे. बेसिकली वो मेरे दादा थे एंड दादू वाज आई थिंक मोर ऑफ मैंने हमेशा उनके कभी फिल्म तभी हीरोइन बनेगी नहीं बनेगी तब वो पता भी नहीं था. आई थिंक मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमेशा सफ़ेद धोती सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद टोपी पहन के एंड व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम आई थिंक आई लव्ड हिज स्मेल. उनका एक पर्टिकुलर परफ्यूम हुआ करता था जो मुझे आज तक याद है एक्चुअली. सो आई रिमेंबर दैट वेरी वेरी वेल. जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे पता नहीं है. बॉक्स ऑफिस ही गोलमाल है. मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी पिक्चर और टचवुड और भी चलेगी. टचवुड थैंक यू. नहीं चलिए क्या या आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये पहली बार है इस तरह का ट्रिब्यूट एंड जो नई जनरेशन को पता नहीं है शायद कि किस तरह से एक आदमी ने दो स्टूडियोज़ एक के बाद एक खड़े किए सुपर हिट फिल्में बनाई एस मुखर्जी जी और किस तरह से उनका वो हिट का दौर था और कितना बड़ा दौर था ये आज इस शो के थ्रू उनको देखने को मिलेगा. एंड इट्स अ रीविजिटिंग अ न्यू एक्सपोजर फॉर द न्यू ऑडियंसेस. और मैंने सारी देखी हूँ. मैंने कंगन बंधन दिल दे के देखो लव इन शिमला ऑल द फिल्म्स आई हैव सीन एंड देयर ऑल रियली ब्यूटीफुल फिल्म्स. मैं बहुत एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिसका मैं फैन हूँ. आई थिंक हर ईरा में जो जिस किस्म की फिल्में बनती हैं वो किस तरह का ऑडियंस है उस पर एक कनेक्शन रहता है. देयर इज अ गिव एंड टेक. सो एवरी जनरेशन हैज़ गॉट इट्स ओन काइंड ऑफ सिनेमा टेक्निक्स. फिल्म मेकिंग और स्टोरी नरेशन की स्टाइल्स होती हैं वो हर डेकेड के अलग अलग होती हैं. तो ऐसा कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते. हर डेकेड में अपना एक दौर होता है. थैंक यू. जी बिल्कुल बिल्कुल. नहीं नहीं हम जी 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 उन्होंने तो बड़े बड़े कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया तो दुनिया जानती है. लेकिन ये परिवार कैसा है वो कैसे थे वो बहुत मतलब उनसे काफ़ी बात हुई है. उन्होंने कहा किशोरदा के बारे में भी बच्चा था लेकिन ऑब्जर्व करता रहता था
ये उन्होंने बताया था। और सबसे बड़ी बात अभी देखा ना किस तरह से, मतलब ये परिवार जो है मैके से भी ज़्यादा प्यार देता है, ससुराल कभी नहीं लगा, बहुत अच्छा। और हम लोग वॉक करते थे, उनके पिताजी भी आते थे, और एस मुखर्जी साहब को तो वो जितना रिस्पेक्ट दिया क्या कम ही है। ये बहुत अच्छा लिखा ना मिडास मुखर्जी, टच करके उसको बोलते पारस, पारस जी बिल्कुल सही मानों में। कल जी से फिल्में देखी आपने, करीब करीब स्कूल से ही जॉय मुखर्जी, फिर लव इन शिमला, दिल देखे देखो, बहुत सारी फिल्में देखी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फिर रौनक मुखर्जी जो है उनका भी म्यूजिक मुझे अच्छा लगा था, वो पहले जिधर भी मैं देखूं, और शुरू से स्कूल डेज से मैंने देखी फिल्में। अभी एक वो बहुत अच्छा है, एक बार मुस्कुरा दो, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, न बुझते दिए को तुम याद करना, तू औरों की क्यों हो गई। देखा ना मैं कैसे ज़्यादा प्यार मिलता है। यू नो एक्चुअली मैं लिटरली आज सुबह तक बॉम्बे में नहीं था बिकॉज ऑफ वर्क, हमारी फिल्म की वजह से। बट ये एक्चुअली हमारी फैमिली के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है, इसीलिए आई हैव एक्चुअली फिनिश माई वर्क एंड कम बैक ओनली फॉर दिस फंक्शन। सो एक्चुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट शाम है हम लोग के लाइफ में। एंड माई ग्रैंडफादर पास्ड अवे जब मैं काफ़ी छोटा था, बट ऑब्वियसली आई हैव ग्रोन अप hearing about his stories and the things that he achieved and in the shadow of his achievements. So it will be very nice, today's function. It's a very big day for the family. You know, main aapse sach kahunga, maine unki actually itni filmein dekhi nahi hai. Mujhe unki unka jo impact raha hamari industry mein uske bare mein pata hai, but unfortunately maine sab filmein dekhi nahi hai उनकी। सो या सो वन डे जब लाइफ में वक्त मिलेगा एंड आई हैव सीन एवरीथिंग देन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली। हमारी फिल्म का आपको टाइटल कैसे लगा फिल्म का? ब्रह्मास्त्र। अच्छा लगा आपको? इंस्टाग्राम पे हम ढेरों कई सारे आलिया को इवन हम देख रहे हैं कि वो रीड करते हुए कि ब्रह्मास्त्र की स्क्रिप्टिंग रीड कर रही है, मतलब सभी को आपने उसमें। सो मैं बस ये कह सकता हूँ कि बहुत टाइम से, बहुत वक्त से मैं एटलीस्ट और मेरी टीम इस फिल्म पे बहुत, मतलब बहुत काम कर रहे हैं। यू नो इस फिल्म पे बहुत लंबा प्री प्रोडक्शन पीरियड रहा है। जब होपफुली जब ये फिल्म बन के आएगी और आप वो विजुअल्स देखेंगे और इस फिल्म की कहानी समझेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि इतना टाइम क्यों लग रहा है हमें इस फिल्म को बनाने में। और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये सब प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस सब का मीनिंग क्या है बेसिकली। बट मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एंड आई होप कि यू नो हमारे सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क फिल्म बन सके। तो हम ऐसा माने कि ये फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री में एक अलग ही बदलाव आएगा, जैसे हमने देखा बाहुबली जब आई, इस तरह का हम माने? बिल्कुल वही ख्वाहिश है, दैट इज़ द ड्रीम, दैट इज़ द गोल। बाहुबली इज़ द स्टैंडर्ड, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक ये फिल्म बनी नहीं है और मैं बस यू नो ये फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट इज़ द होप, आई रियली होप कि फिल्म इतनी अच्छी बन के निकले, बट वो आप दो साल के बाद जब फिल्म बनेगी तो आप कहना, यू नो वो मैं कैसे कहूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।